हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी यूनिट बी, इंडिया पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, और चैप्टर नंबर है 13, और चैप्टर का नाम है इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती क्या चीज़ है, यानी इसका मीनिंग पढ़ेंगे। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स अ डेफिनेट रेशो, यानी कि एक डेफिनेट रेशो होता है बिटवीन द पॉपुलेशन एंड एरिया। पॉपुलेशन और एरिया के बीच में, एरिया के बीच के अंदर एक डेफिनेट रेशो होता है, उसी को हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन कंसनट्रेशन इज मेजर्ड, और जो अमाउंट है पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन कंसनट्रेशन की, उसको मेजर किया जाता है इसके अंदर, इन इट, यानी कितनी पॉपुलेशन है किसी एरिया के अंदर उसको मेजर किया जाता है। इट इज़ मेजर्ड एज अ नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, और उसको मेजर किया जाता है कि एक यूनिट एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं। इट इज़ यूजफुल टू एनालिसिस डिफरेंशियल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, और ये यूज़फुल है कि हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं अलग अलग जगह के, अलग जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं, और उसमें डिफ्रेंशिएट बता सकते हैं कि पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा रह रही है या कहाँ कम रह रही है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन डेटा, और जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो मदद करती है पॉपुलेशन डेटा को समझने में। इट शोज़ द प्रेशर ऑन पॉपुलेशन ऑन लैंड, और ये शो करती है पॉपुलेशन का प्रेशर लैंड पर कितना है। द रेशो ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंड टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज नोन एज अर्थमेटिक डेंसिटी, और जो टोटल जो रेशो है टोटल पॉपुलेशन का और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, उसको हम अर्थमेटिक डेंसिटी बोलते हैं। तो अर्थमेटिक डेंसिटी निकालने का ये फॉर्मूला है, अर्थमेटिक डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रीजन अपॉन टोटल एरिया ऑफ दैट रीजन। द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, और पॉपुलेशन ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन को हम समझ सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की मदद से। किसी भी रीज़न के पॉपुलेशन डेंसिटी अगर बढ़ती है विद द पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि इसके बीच में एक रिलेटिव रिलेशन है कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है तो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, यानी पॉपुलेशन भी बढ़ती है। इन 1901 द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज 77 पर स्क्वायर किलोमीटर। 1901 के अंदर जो डेंसिटी थी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की वो 77% पर स्क्वायर किलोमीटर है, विच इंक्रीज टू 117 इन 1951, जो कि बढ़कर 117 हो गई 1951 में, और 216 हो गई 1981 के अंदर, देन 325 हो गई 2001 के अंदर, और 2011 के अंदर ये जो डेंसिटी है 3382% पर स्क्वायर किलोमीटर है। यानी आप देख रहे हैं कि जो डेंसिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। फ्रॉम द टेबल 13.1 एंड द मैप 13.2, ये जो नीचे मैप और टेबल दे रखी है उससे क्लियर होता है कि जो 2011 है उसमें बिहार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो सबसे ज़्यादा है, वो है 1102% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पाई जाती है बिहार के अंदर, वहीं अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पाई जाती है, जो कि 17% पर स्क्वायर किलोमीटर है। ये डेंसिटी का मैप दे रखा है 2011 के अकॉर्डिंग, और इसके अंदर इन्होंने शो कर रखा है जो बिलो 100% पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहते हैं उससे भी कम, वो उन्होंने डॉट डॉट में शो किया है। तो आप देखेंगे ये कौन सी एरियाज हैं, ये जैसे आपका मिजोरम हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, तो ये हिली एरियाज हैं, खासकर ईस्टर्न हिली एरियाज हैं जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कम पाई जाती है। थ्री स्टेट्स हो गए इसके अंदर, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। देन उसके बाद बता रहे हैं कि जो पॉपुलेशन 100 से लेकर 300 तक के बीच में पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है, इसको इन्होंने लाइनिंग के अंदर शो किया है।
अगर आप लाइनिंग भी देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन है यहाँ पर वो 100 to 300 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर है, और ये जो है आपके राजस्थान हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया एंड उड़ीसा। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये तीन और ऐसे हैं जहाँ पर 100 to 300 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो। उसके बाद आती है 300 से लेकर 600, ये शो कर रहा है लाइनिंग वाला, ये जो है ये लाइनिंग वाला शो कर रहा है 300 से 600। और ये पाया जाता है गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एंड तमिलनाडु। ये वो रीजन। इसके अलावा ये असम, जहाँ पर 300 से 600 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पाए जाते हैं, और जो आप देखेंगे 600 से लेकर 900 तक जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो पाई जाती है केरल के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये दो स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। इसके अलावा हाँ, उत्तर प्रदेश एंड केरल, ये दो ही स्टेट हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 600 से लेकर 900 तक पाई जाती है। और 900 से ज़्यादा जो पॉपुलेशन पाई जाती है ये आपका बिहार, इसके अलावा वेस्ट बंगाल, यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहीं यूनियन टेरिटरीज के अंदर अगर हम देखते हैं तो दिल्ली है। तो ये दो स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन मोर देन 900 पर स्क्वायर किलोमीटर पाई जाती है, बिहार एंड वेस्ट बंगाल अमंग यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज के अंदर दिल्ली, दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 11,297 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, और ये हाईएस्ट मानी गई है। और अंडमान एंड निकोबार के अंदर बहुत लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन मानी गई है, जो कि 46 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 46 लोग ही रहते हैं। प्रेजेंटली अगर हम देखें इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को तो वो है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बिहार, वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड, असम, गोवा और यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड चंडीगढ़, इसके अलावा पौंडीचेरी, दमन, दीव, लक्षद्वीप, यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है नेशनल एवरेज से। नेशनल एवरेज तो केवल 382 पर्सन है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारे ही 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हैं। तो ये मोर पॉपुलेशन डेंसिटी है देन नेशनल एवरेज। और वहीं अगर हम देखते हैं कि लेस देन नेशनल एवरेज डेंसिटी, तो उसमें जो स्टेट्स आते हैं वो हैं आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और जो यूनियन टेरिटरी है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है वो एवरेज से कम है। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी पॉपुलेशन इंडिया को 3 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और ये है एरिया ऑफ हाई डेंसिटी जहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है। तो इस रीजन्स ये जो रीजन है ये स्प्रेड है वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और जो डेंसिटी पॉपुलेशन है यहाँ की वो है मोर देन 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो रीजन है ये इस पर रीजन बता रखा है कि कौन से रीजन है और क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा पाई जाती है। तो उसका जो कारण है वो है कि एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज हैं, एंड यहाँ पे जो डेंसिटी पॉपुलेशन है वो फर्टाइल प्लेन की वजह से है, अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल प्लेन, इसके अलावा एलिवेल सॉइल, अवेलेबल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पज़। तो ये कारण है जिसकी वजह से यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। इन सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई इन द कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन्स के अंदर ज़्यादा पाई जाती है ऑफ मालाबार एंड अपलैंड ऑफ तमिलनाडु।
और इसका रीज़न ये है क्योंकि प्लांटेशन एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है अपलैंड ऑफ तमिलनाडु के अंदर, और इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलप हुई है, उसका डेवलपमेंट हुआ है स्मॉल स्केल और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ का कावेरी डेल्टा पर, और जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। देन फिर आता है एरिया ऑफ मीडियम डेंसिटी, तो ये वो एरियाज़ है जहाँ पर 300 से लेके 500% पर स्क्वायर किलोमीटर पर लोग पाए जाते हैं, या 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 300 से 500% पाए जाते हैं या रहते हैं। दीज एरियाज लोकेटेड बिटवीन, और ये जो एरिया है ये लोकेटेड है एरिया ऑफ लो रेन लो एंड हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि ज़्यादा और कम के बीच वाला जो एरिया है उसको हम मीडियम डेंसिटी कहते हैं। एंड मीडियम डेंसिटी जो है वो पाई जाती है महाराष्ट्र और मेजर पार्ट ऑफ गुजरात के अंदर, तेलंगाना, कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश एंड छोटा नागपुर प्लेटू, क्योंकि यहाँ पर जो टेराइन है वो रग्ड है, यानी ऊबड़ खाबड़ है या पथरीला बोल सकते हैं हम उसको, एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की भी कमी पाई जाती है, एंड एग्रीकल्चर इज़ नॉट वेल डेवलप हेयर, और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो अच्छे से डेवलप नहीं है, तो ये रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर मीडियम डेंसिटी पाई जाती है। एंड एरिया ऑफ लो डेंसिटी, एरिया ऑफ लो डेंसिटी मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो 300% पर स्क्वायर किलोमीटर से कम रहती है, तो ऐसे एरियाज को हमने लो एरिया डेंसिटी में इंक्लूड किया है। ड्यू टू माउंटेनियस रीजन, उसका कारण ये है कि ये जो रीज़न है वो या ये टेराइन जो है वो माउंटेनियस टेराइन है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में खासकर, और डेजर्टिक कंडीशन है वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, एंड दिस रीज़न हैज़ लो, और ये जो रीज़न है यहाँ पर लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पाई जाती है। द प्लेटू एंड द ट्राइबल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटक, मिडिल पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश आर एग्रीकल्चरली अंडर डेवलप, और ये जो जितने भी इन्होंने रीजन्स बता रखे हैं, स्टेट बता रखे हैं, वो एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो वो अंडर डेवलप में आते हैं ड्यू टू एडवर्स फिजिकल कंडीशन, क्योंकि जो फिजिकल कंडीशन है वो विपरीत है, एडवर्स मतलब होता है विपरीत होना, और लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब होता है जनसंख्या वृद्धि। इन इंडिया अवेलेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन डेटा बिफोर 1871 कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज रिलायबल मतलब होता है विश्वसनीय है। तो 1871 से पहले जो भी पॉपुलेशन से रिलेटेड जो डेटा था जो अवेलेबल था उसको रिलायबल नहीं माना गया था, उसको विश्वसनीय नहीं माना गया था। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन 1872, उसके बाद 1872 के अंदर सबसे पहला जो इंडिया के अंदर सेंसस था यानी जनगणना शुरू हुई थी, बट इट वॉज कंडक्टेड ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, लेकिन उसको कंडक्ट किया गया था एक एक्सपेरिमेंट के रूप से, ओनली इन अ फ्यू स्टेट्स और कुछ ही स्टेट्स के अंदर उसको किया था, और अनडिवाइडेड इंडिया में, उस समय पाकिस्तान भी इंडिया में मिला हुआ था, तो कुछ ही स्टेट के अंदर इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में इसको कंडक्ट किया गया था। इट डिड नॉट कवर होल कंट्री, और इसके अंदर पूरी कंट्री को कवर नहीं किया गया था। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेटा, और सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड डेटा है पॉपुलेशन का वो 1881 के बाद का माना गया है। ऑनवर्ड एज बिफोर दिस ईयर नो सेंसस वॉज कंडक्टेड इन होल कंट्री, और इससे पहले कोई भी सेंसस कंडक्ट नहीं किया गया था अपनी कंट्री के अंदर। द फर्स्ट सेंसस विच वॉज साइनोक्रोनस कवर्ड द होल कंट्री वॉज मोर मॉडर्न इन नेचर एंड वॉज अंडरटेकन इन 1881। साइनोक्रोनस मतलब होता है एक समय का, तो यानी सबसे पहले जो फर्स्ट सेंसस उस समय का जो कवर किया गया था पूरी कंट्री के अंदर वॉज मोर मॉडर्न, वो ज़्यादा मॉडर्न था नेचर के अंदर, एंड वो लिया गया था 1881 के अंदर। सिंस देन उसके बाद से हर 10 साल बाद नए सेंसस रिकॉर्ड किए जाते हैं इंडिया के थ्रू या इंडिया में। अकॉर्डिंग टू मोरलैंड के अकॉर्डिंग इन द बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग के अंदर जो पॉपुलेशन का एस्टिमेशन लगाया गया था इंडिया में वो था 10 करोड़। बाय द ईयर 1850 के साल में, और ये जो एस्टिमेट था पॉपुलेशन का इंडिया में वो था 15 करोड़। तो यानी कि 17th सेंचुरी के अंदर 10 करोड़ था, जो कि 1850 के अंदर 15 करोड़ हो गया।
अगर हम पार्लियामेंट्री पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो पार्लियामेंट्री पेपर के अंदर इंडिया की जो पॉपुलेशन है वॉज रिटन एज 23.8 करोड़, उसको लिखा गया है 23.8 करोड़ इन 1874 एंड 75। तो 1874 75 के अंदर जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, जो कि पार्लियामेंट्री पेपर के अंदर लिखा गया था, वो 23.8 करोड़ थी अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 1881। और इंडिया के सेंसस 1881 के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन थी, अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब उस वक्त पाकिस्तान भी उसमें शामिल था, और वो थी 25 करोड़ 1881 के अकॉर्डिंग। और जो टेबल है नीचे जो दे रखी है 13.2, ये शो करती है पॉपुलेशन ग्रोथ को इंडिया के 1901 और 2011 तक। द पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन द 1901 कैन बी डिवाइड इंटू फोर स्टेज, और उसको चार स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया है। और टेबल 13.3 और जो डायग्राम है 13.1, ये शो करता है नेचुरल ग्रोथ रेट को पॉपुलेशन की इंडिया के फ्रॉम 1911 से लेके 2011 तक। तो उसको फोर स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया था इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ को। ये सबसे पहला जो पीरियड था वो था पीरियड ऑफ लो ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ रेट थी वो कम थी 1901। इस पीरियड के अंदर पॉपुलेशन जो वेरी लो फेज, पॉपुलेशन बढ़ी लेकिन बहुत ही स्लो फेज में, और लगभग 0.2 पर एनम इट इंक्रीज फ्रॉम, और ये बढ़ी 23.84 करोड़ से 25.13 करोड़। तो पॉपुलेशन बढ़ी तो है लेकिन कम। ड्यूरिंग द डिकेड्स ऑफ 1911, और 1911 से लेकर 21 के डिकेड्स को अगर हम देखते हैं, तो क्योंकि फेमाइन और एपिडेमिक महामारी, सूखा महामारी और शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी, डेथ रेट वॉज वेरी हाई, जो डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा था, लेडिंग टू नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। और ये शो करता था कि वही जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हुई है। ये टेबल 13.2 है, ये शो कर रहा है डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया 1901 एंड से लेकर 2011 तक। तो 1901 और 1911 ये डिफरेंसेस निकाला गया, और इसमें शो हो रही है जो ग्रोथ रेट है वो 5.75% है, और जो एनुअल ग्रोथ रेट है या एक्सपोनेंटल ग्रोथ है वो 0.56 है। और 5.7 उसके बाद ये नेगेटिव ग्रोथ रेट को शो कर रहा है 1921 के अंदर। रीज़न इन्होंने बता ही दिया कि महामारी वगैरह फैली थी या फेमाइन था, जिसकी वजह से डेथ रेट था वो बढ़ गया था, तो नेगेटिव ग्रोथ रेट शो कर रहा है 1921 के अंदर। दैन उसके बाद फिर ये ग्रोथ रेट है वो बढ़ी है और तेज़ी से बढ़ी है, उसके बाद ये बढ़ती चली गई है। उसके बाद 1951 के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई है, 14.22 थी 1941 के अंदर, जो कम होकर के 13.31 हो गई 1951 में। फिर आप देखेंगे कि जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है, 21.51 हुई 1961 में, 71 के अंदर 24.80 हुई, और 81 के अंदर आपने देखा है कि ये 24.66 हुई। बढ़ी तो है लेकिन बहुत कम। और 1991 के अंदर 81 के बाद ग्रोथ रेट है वो कम हुई है, तो ये 81 में 24.66% थी, जो कि कम होकर 23.85% हो गई 1991 में। और उसके बाद जो ग्रोथ रेट है वो लगातार कम होती जा रही है, 2001 में ये ग्रोथ रेट 21.54 ही रह गई है, और 2011 के अंदर ये 17.64 रह गई है। तो ये शो कर रहा है कि ग्रोथ रेट है वो कम हो रही है, और इसका रीज़न यही है कि जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई हैं या जो फैमिली प्लानिंग है, उसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई है। ये बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन इंडिया को शो कर रहा है, और इसके अंदर बता रहा है कि देखो पहले बर्थ रेट था वो 49% था पर 1000 था 49, और डेथ रेट थी 43 है, मतलब दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं था, केवल 6% जो नेचुरल ग्रोथ रेट थी वो 6% थी। और उसके बाद आप देखेंगे डेथ रेट कम हुई है और जो बर्थ रेट है वो बढ़ी। फिर जो बर्थ रेट है उसने कम होना स्टार्ट किया है, और ये
51 तक ये जो बर्थ रेट है वो कम हुई है, और जो डेथ रेट है वो भी कम हुई है। देन उसके बाद 1961 के अंदर जो बर्थ रेट है वो बढ़ी है, 42 हो गई है, और यहाँ पर जो डेथ रेट है वो कम हो रही है। देन 1971 के अंदर ये 41 हो गई और जो डेथ रेट है वो 19। तो यहाँ पर अब बर्थ रेट है वो 1971 से कम होना स्टार्ट हो गया है, और जो डेथ रेट है वो भी कम हो रही है। और 2011 के अंदर अगर आप देखोगे तो 23 तो केवल बर्थ रेट है जो पर 1000 पे है, और अगर डेथ रेट देखेंगे तो वो केवल 7 ही है। तो यानी कि बर्थ रेट के मुकाबले जो डेथ रेट है वो ज़्यादा कम हुई है, और जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो 16 आया है। तो नेचुरल ग्रोथ रेट भी यही शो कर रही है कि पहले तो 61 तक तो ये कम हुई, ये बढ़ रही है 61, 71 के अंदर भी बढ़ी है, और 81 के अंदर भी थोड़ा बढ़ी है, और 91 में थोड़ा, अब 81 के बाद से जो ये नेचुरल ग्रोथ रेट है वो कम होना स्टार्ट हो गया है। पीरियड ऑफ स्टेबल ग्रोथ, और ये जो पीरियड है स्टेबल ग्रोथ का वो 1921 से 1951 के बीच में। ग्रोथ की जो हिस्ट्री है ईयर 1921, इसको हम ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड के रूप में जानते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद से जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो बढ़ना शुरू हुआ, और ड्यूरिंग 1921 से 51 तक जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो 25.13 करोड़ से बढ़ करके 86.11 करोड़ हो गए। विद एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 1.45% पर एनम, और जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 1.45% पर एनम है, और ड्यूरिंग दीज 3 डिकेड्स और इन 30 सालों के अंदर ओनली 11 करोड़ पर्सन्स आर एडिड आर पॉपुलेशन। 11 करोड़ जो पर्सन है वो हमारी पॉपुलेशन में ऐड हुए। द इल इफेक्ट ऑफ, और इसका जो बुरा असर था वो क्या रीज़न था उसके पीछे कारण था कि इसी वक्त फेमाइन पड़ गए थे, सूखा पड़ गया था, है बिन कंसिडरेबली रिड्यूस, और इससे पॉपुलेशन कम हुई थी, और जो एपिडेमिक है, महामारी है, ब्रॉड अंडर कंट्रोल, इसको कंट्रोल में ले लिया गया था, जिससे कि जो डेथ रेट है वो कम हो गई, एंड जो वर्चुअल मेंटेनेंस ऑफ बर्थ रेट और जो बर्थ रेट है उसको भी मेंटेन कर लिया गया। तो दस जो इस प्रकार से जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बढ़ी थी। देन उसके बाद आता है आपका पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ रेट, यानी कि ये जो पीरियड है वो 1951 से लेके 1981 का समय माना जाता है, जब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और 1951 को हम सेकेंड डेमोग्राफिक डिवाइड भी कहते हैं, क्योंकि आफ्टर दिस, इसके बाद जो कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2.2% पर एनम, जो कि था 1951 के अंदर, और 1981 में इसमें 32 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो ऐड हो गई। तो देखा है अपने, इसमें बढ़ गई पॉपुलेशन, पहले 2.2% पर एनम था और इसके अंदर 32 करोड़ पॉपुलेशन है वो 1981 के अंदर ऐड हो गई। इन 1961 के और 71 में जो हाईएस्ट पॉपुलेशन थी, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को रिकॉर्ड किया गया ऑफ 2.2%, और ये इसलिए था क्योंकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, या बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था, और बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल गई थी, या उससे जो पहले मेडिकल फैसिलिटीज़ थी उससे ज़्यादा बेटर अब हो गई थी। तो डेथ रेट विच वॉज 27 पर 1000 डिक्रीज, जो डेथ रेट पहले 27 पर 1000 था वो कम होकर 15 पर 1000 रह गया इन दिस पीरियड, इस पीरियड के अंदर। वेयर एज डिक्लाइन ऑफ बर्थ रेट, और जहाँ पर जो बर्थ रेट का डिक्लाइन था वो केवल 4 पर 1000 था। दस इस वजह से, क्योंकि जो बर्थ रेट है वो तो कम नहीं हो रहा है, लेकिन जो डेथ रेट है वो कम हो गई, और इसी वजह से जो वेरी हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये जो पीरियड था वो वेरी हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता था, यानी ये 1951 से 1981 का टाइम था। ये डायग्राम शो कर रहा है कि बर्थ रेट और डेथ रेट जो है उससे जो और नेचुरल ग्रोथ रेट को ही शो कर रहा है, और इसके अंदर ये बता रहा है कि ग्रोथ रेट दे दिए एज के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर दे दिया इन्होंने ईयर्स,
तो आप देखेंगे सबसे पहले 1911 के अंदर ये काम थी, और उसके बाद ये बढ़ी है, फिर उसके बाद 1951 के अंदर ये काम हो गई है, और 1961 के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ी है, 71 में बढ़ी है, और 81 में ये स्टेबल हो गई थी। उसके बाद 81 से ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गई, और 2011 के अंदर ये कम हो गई। देन फोर्थ जो पीरियड है वो है डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट का, और ये जो पीरियड था वो 1981 से लेकर 2011, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ये 81 है, 81 के बाद 2011 तक जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हो गई है। द डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कैन बी सीन, और जो डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो देखा जा सकता है विद द ट्रेंड ऑफ हाई ग्रोथ रेट पॉपुलेशन सिंस 1981 तक आपने देखा है जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, 1981 तक जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। द बर्थ रेट डिक्लाइन ड्यूरिंग 81 to 91, और जो बर्थ रेट थी वो कम हुई 1981 से 1991 के बीच में, और जो बर्थ रेट है ये डिक्लाइन हुई थी 38 per 1000 1981 के अंदर, जो कम होकर थी 30 per 1000 1991 में रही ड्यूरिंग द डिकेट, तो 38 से 30 रह गई। देन ड्यूरिंग 1981 से 91 तक एक्सपोनेंटल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी भी नहीं हुई ना कम हुआ, और वो 2.14% था, विच डिक्रीज टू 1.95, जो कि कम होकर 1.95 रहा परसेंट ड्यूरिंग द 1991 से 2001 तक, एंड 1.64% ये रहा 2001 और 2011 के अंदर। तो आपने देखा है कि ये पहले 9.5 था 91 2001 में, जो कम होकर 1.64% ही रह गया 2011 के अंदर। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान जो बर्थ रेट था वो कम हो गया फ्रॉम 38 per 1000 से 26 per 1000 2001 में, और जो डेथ रेट था वो भी कम हो गया फ्रॉम 15 per 1000 से ये 8 per 1000 ही रह गया। दिस डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन, और ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है पॉपुलेशन ग्रोथ का, ये सक्सेस हो पाया है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की वजह से और अडेप्टेशन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स की वजह से। तो ये इसमें शो किया था कि इस तरह से जो ग्रोथ रेट है वो कम है, और ये डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को शो किया गया है अकॉर्डिंग टू स्टेट वाइज जो स्पेटियल या हम इसको स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो कहते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक जो मैंने पढ़ाया उसको आपको रिवाइज करना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।